अपना तर्जुमान आपकी पहचान। दो दिसंबर मुल्क भर की तरह झारखंड के जमशेदपुर में भी शान व शौकत के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इस मौके पर आज़ाद नगर के गांधी मैदान में एक जलसे का अहतमाम किया गया, जिसमें शहर के तमाम मुअज्ज़ज़ हस्तियों ने शिरकत की। बिलखुसूस हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में अपने कलम की जादू बिखरने वाले मोतबर कलमकार जनाब हाफिज ओकारी अलहाज हाशिम मिसबाही साहब ने शिरकत कर मोहसिन कायनात और हुकूक हैवानात के मौजू पर शानदार खिताब से सामईन को महजूज किया। इस मौके पर शहर के मशहूर डॉक्टरों, प्रोफेसरों, इंजीनियरों और उलमाए किराम के दरमियान नामवर खतीब व कलमकार हाफिज मोहम्मद हाशिम मिसबाही साहब का इंतखाब करके उनकी दीनी, समाजी, मिली व इस्लाही खिदमात को सराहते हुए रूहानी मरकज कमेटी जमशेदपुर ने उन्हें शान इस्लाम एवार्ड से सरफराज किया है। वाज़ह रहे कि जमशेदपुर की रूहानी मरकज कमेटी जुलूस मोहम्मदी के मौके पर हर साल किसी न किसी अहम सरगर्म शख्सियात का इंतखाब कर उन्हें एवार्ड से नवाजती रही है। मुंतखब किए गए शख्स की तसनीफी, मिली व समाजी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए उनका इंतखाब अमल में लाया जाता है। सारे साल में उसकी अहमियत नहीं मालूम होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा हमेश के लिए नबी बनाया और हमेशा हमेश के लिए, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आने वाले सुबह कयामत तक आप सबके लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, और आप सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ इंसानों के हुकूक की बात नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक को भी बताया है, और मजहब इस्लाम के पैरोकारों ने इसके बारे में बताया है। इमाम उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ये जलीलुल कद्र अमीरुल मोमिनीन है। आप दोपहर में अपने ऊँटों को खुद से पानी पिलाते, उनका गुलाम कहता कि हम ये ड्यूटी कर लेते हैं, आपने फरमाया नहीं, ये मेरी मिल्कियत है, इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे पूछेगा। तो आपने अपना काम अपने जानवरों को खुद पानी पिलाकर किया। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी मिल्कियत में, मेरी बादशाही में अगर कोई बकरी मर जाए खारिश होकर, खुजली होकर, तो मैं अल्लाह की बारगाह में डरता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे उसके बारे में बात कोशिश फरमाएगा। तो मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इंसान तो दूर हैवानात नबातात के भी हुकूक को मुरतब किया है, और मजहब इस्लाम ने दुनिया को ये बताया है कि मजहब इस्लाम अमन शांति का मजहब है। रहमतुल्लिल आलमीन है। एक हदीस में बयान करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और भी उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना हारून नसीर साहब तशरीफ लाएंगे, वो भी सबको थोड़ा थोड़ा वक्त देना है, सब अपने अपने अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह सराही करेंगे। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया सारी दुनिया की तारीख की एक अहम किताब मानी जाती है। इंसाइक्लोपीडिया के मुसन्निफ ने एक हदीस के वाकये को डिटेल से लिखा है, एक हदीस के हवाले से 8-9 पेज में उसने पूरी डिटेल लिखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जस्टिस ऑफ वर्ल्ड कहा है, सारी दुनिया का इंसाफ करने वाला कहा है, और कुरान ने इसके बारे में ऐलान फरमाया, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात वा अनज़लना मअहुल किताबा वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त। मैंने नबियों को भेजा, मैंने इंसाफ के तराजू के साथ भेजा, मैंने नबियों को किताब के साथ भेजा, लियक़ूमन नास बिल क़िस्त, ताकि लोगों में इंसाफ कायम करे। एक जंग से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, सहाबा इकराम ने खाना पकाया, चूल्हा जलाया,
تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور زور زور سے آپ فرمانے لگے کس نے جلایا کس نے جلایا. صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ آہستہ گفتگو فرماتے, زیادہ تیز آواز ہونے کی وجہ سے سارے اکٹھا ہو گئے, کیا بات ہے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں کس نے جلایا چولہا؟ صحابیوں نے عرض کیا میں نے جلایا. آپ نے فرمایا یہاں چیٹیاں ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی, اس چولہے اس آگ کو بجھا دو. تو یہ حدیث پاک کو انسائکلوپیڈیا برنارڈیکا کے مصنف نے لکھا ہے اور اسی واقعے کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی میں رحمت للعالمین تھے, جو چیٹیوں کا بھی خیال کرتے تھے, حیوانات اور نباتات کا بھی خیال کرتے تھے. یہ ہے مذہب اسلام اور یہ ہے مذہب اسلام کی حقیقت. ہم کو اور آپ کو چاہیے مذہب اسلام کی حقیقت کو سمجھے جانے اور سمجھنے اور جاننے کے ساتھ ساتھ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مذہب اسلام ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و اپنے کرم سے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ.